लगभग 10 साल पहले की बात है, जब सूबा बलूचिस्तान के इलाके रिकोडिक में कानों से सोना और तांबा निकालने के मामले पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जेर समाअत था। समाअत के दौरान एक मौके पर जस्टिस खलील अर रहमान रमदे ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने मुआहिदा करते वक्त सूबे के मुफादात का ख्याल नहीं रखा तो इस पर दूसरों को क्यों कसूरवार ठहराएं। हम गैरों से नहीं अपने ही मीर जाफर और मीर सादिक जैसे किरदारों के हाथों मारे जाते रहे हैं। बाद अजा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में अदालत ने मदनियात की तलाश के लिए हुकूमत पाकिस्तान और एक गैर मुल्की कंसोर्शियम टीथियान कंपनी के दरमियान सन 1993 के एक मुआहदे को मंसूख करार दे दिया, मगर ये तनाजो जारी रहा और बिलाखिर पिछले मार्च में पाकिस्तानी हुकूमत और टीथियान के दरमियान अदालत से बाहर मुआहदे के नतीजे में सन 2011 से रुके कांकनी के इस मंसूबे को बहाल करने पर इत्तेफाक की खबर मिली। यानी एक दहाई बाद सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था, तो वो मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात किया हुए। पाकिस्तान की तारीख में ये अलकाबात और इससे मिलते जलते बहुत से और सियासत में तो सियासी मुखालिफीन के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होते रहे थे, मगर शायद ये पहला मौका था कि किसी मुकदमे के फरीक को उन अलकाबात का अहल समझा गया। अहल सियासत के इस चलन की जानिब आने से पहले मुहक्किक डॉक्टर सफदर महमूद से जान लिया जाए कि मीर जाफर और मीर सादिक धोखे और गद्दारी का दूसरा नाम क्यों करार पाए। डॉक्टर सफदर ने लिखा है कि मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई तो कई सूबे आजाद हो गए जिनमें बंगाल भी शामिल था। नवाब सिराज अल दौला 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठे। इस दौर में तिजारत की आव में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना असर और रसूख बढ़ा रही थी। कंपनी ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तिजारती मराकज के इर्द गिर्द हिसार बना लिए। वो उनके मुखालिफों की हिमायत कर रही थी और तिजारती मुराआत से नाजायज फायदे उठाना शुरू कर दिए थे। नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने हमला करके ये वापस ले लिया और नवाब से मुआहिदा भी कर लिया, लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने नवाब से निजात हासिल करने का भी फैसला कर लिया। नवाब सिराज अल दौला के सबसे काबिल एतिमाद मीर जाफर थे जो उनकी फौज के सरबरा भी थे। अंग्रेजों ने बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके उनसे खुफिया मुआहिदा कर लिया। तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंग पॉलिसी 1757 हुई जिसमें अंग्रेजों की फौज 3,000 जबकि सिराज अल दौला के पास 50,000 की फौज थी। 23 जून 1757 को पॉलिसी की इस जंग में मीर जाफर फौज लेकर नवाब से अलहिदा हो गए। यूं नवाब सिराज अल दौला को शिकस्त हुई और वो जान बचा कर भाग निकले। मीर जाफर के बेटे मीरा ने ताकुब करके सिराज अल दौला को कत्ल कर दिया। सिराज अल दौला की जगह मीर जाफर बंगाल के हाकिम बन गए, लेकिन अमली तौर पर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदे में बुरी तरह जकड़ दिया गया। ये वही लॉर्ड क्लाइव हैं जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल बने। अमलन बंगाल में मुसलमानों के उरूज व इक्तदार का सूरज गुरूब हो गया। दूसरे तारीखी किरदार जो एक मलामती अलामत बन चुके हैं वो हैं मीर सादिक। डॉक्टर सफदर महमूद ने अपने एक मजमून में लिखा कि वो टीपू सुल्तान की मजलिस के सदर आजम थे। टीपू अंग्रेजों के तौसी पसंदाना अजाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेजों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मार्च 1799 में मैसूर और फिर बंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गयी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में सरंगापटम के कले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को कले की फसील में छोटा शिगाफ पड़ गया। मीर सादिक के मशवरे पर अंग्रेजों ने हमला किया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने इन सिपाहियों को बिला लिया जो फसील के इस शिगाफ की हिफाजत पर मामूर थे। चुनांचे अंग्रेज फौज कले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो पैदल दौड़े और मुंतशिर फौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर कले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। मीर सादिक ने वो दरवाजा बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर न जा सके। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए उन्हें कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जान से गए। मीर सादिक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली और वजीर मालियात फौरनिया भी शामिल थे। ज़ायरीन टीपू सुल्तान के मजार को एक बुजुर्ग की दरगाह की तरह समझते हैं, लेकिन मीर सादिक की कब्र तबाह हाल है। कुछ सयाह अपने जज्बात की तस्कीन को इस पर पत्थर भी फेंकते हैं। मीर जाफर ने सन 1757 में हिंदुस्तान में बरतानवी राज की बुनियाद रखने की राह हमवार की तो 1799 की मैसूर की चौथी जंग में मीर सादिक की गद्दारी ने बिलाखिर गैर मुल्की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फारसी जबान का एक शेर है,
जाफर अज बंगाल ओ सादिक अज दकन, नंग मिल्लत, नंग दीन, नंग वतन। तर्जमा, बंगाल के मीर जाफर और दकन के मीर सादिक मिल्लत, मजहब और मुल्क के लिए रुसवाई का बाइस है। एक और जगह पर वो कहते हैं, अल अमान अज रू जाफर अल अमान, अल हिजर अज जाफरान एन जमान, खुदा की पना जाफर की रू से खुदा की पना। इस जमाने के जाफरों से गुरेज कर, जब से 18वीं सदी के आखिरी निस्क में 40-42 साल के फर्क से ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें मीर जाफर और मीर सादिक बाएसगीर में गद्दार करार पाए। यहाँ की सियासत में मुखालफीन के लिए इन नामों का उनके बकौल गद्दारी के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल मामूल रहा है। सियासी मुखालफीन को बुरे नाम आलकाबाद देना इसके अलावा है। सहाफी व तज्जिया कार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि तहरीक आज़ादी ही से ऐसी जबान इस्तेमाल होती आई है कि सियासी मुखालफीन को काफिर गद्दार करार दिया गया। कभी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना इसकी जद में आए, कभी अबुल कलाम आजाद, कभी हुसैन शहीद सहरवर्दी, कभी गफार खान तो कभी जी एम सैयद। तारीख के उस्ताद डॉक्टर ताहिर कामरान के मुताबिक नवाज शरीफ भी बेनजीर भुट्टो के लिए बुरे नाम इस्तेमाल करते रहे। दीगर ख्वातीन सियासतदानों मसलन शीरी मजारी, मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के लिए भी तौहीन आमेज अलकाबात तराशे गए। राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल कहा गया, मौलाना फजल रहमान को डीजल वगैरह, वैसे ख्वाजा आसिफ ऐसी इस्तिलाहें घड़ने में माहिर हैं। रना अफजल ने पाकिस्तान बनने के पहले साल के अखबारात का बलूचिस्तान के हवाले से मुताला किया है। कलात के पाकिस्तान से इल्हाक के जिम्मे उनकी चिन्नी एक खबर यह है, सदर कलात स्टेट मुस्लिम लीग नवाबजादा मीर अब्दुल कादिर खान ने प्रेस को बताया कि खान ऑफ कलात अपने अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। कुछ मीर जाफर और मीर सादिक दीवान आम के नाम पर कलात के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की राह में रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने खान ऑफ कलात से मुतालबा किया कि वो दीवान आम के नाम निहाद फैसले को नजरअंदाज करते हुए अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान दिलेरी से करे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सितंबर 1968 में हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा था, एक बार दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के नुमाइंदे ने मेरा बाजू थाम कर कहा था, भुट्टो अगर तुम पाकिस्तान में हमारे रास्ते से हट जाओ तो उसके बदले में हम तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। और मैंने गुस्से से अपना बाजू छड़ाकर इस साम्राज्य को जवाब दिया था, खबरदार जो तुमने फिर कभी ऐसी जुरत की, अगर तुमने चंद वतन फरोशों को खरीद लिया है तो ये ख्याल मत करो कि पाकिस्तान में हर शख्स मीर जाफर और मीर सादिक है। मैं शोएब नहीं जिसने वतन दुश्मनी के सिले में वाशिंगटन और स्विट्जरलैंड में रुपया जमा कर रखा है। दो साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अयाज सादिक की जानिब से इंडियन पायलट अभिनंदन की रिहाई के हवाले से मुतनाजा बयान देने के चंद दिन बाद लाहौर के कई इलाकों में उन्हें गद्दार करार देते बैनर्स आविजा कर दिए गए। पोस्टर्स में अयाज सादिक को मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया। उनकी तस्वीर इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और विंग कमांडर अभिनंदन के साथ लगाई गई। पिछले कुछ अरसे में वजीर आजम के साबित मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बलोचिस्तान के रहनुमा महमूद अचकजई के बारे में कह चुके हैं, वो जद्दी कुश्ती पाकिस्तान के खिलाफ हैं और मीर जाफर मीर सादिक हैं। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा था, हुकूमत की हलीफ जमातें MQM, काफ लीग और GDA मुल्क के लिए सोचें। अगर उन इत्तेहादी जमातों ने बास मामलात में हुकूमत का साथ दिया तो उनका नाम मीर जाफर और सादिक के साथ लिखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर का कहना था कि मुल्क के सियासतदानों में मीर सादिक और मीर जाफर भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि PTI हुकूमत ने स्टेट बैंक को बहुत कम कीमत पर $1 अरब के एवज IMF को बेच दिया और गवर्नर बैंक मालियाती वायसराय बना दिया है। गवर्नर अब पार्लियमान को जवाब दे नहीं रहा। सिराजुल हक का कहना था कि पूरी कौम के गिले में गुलामी का पता डाल दिया गया है और मीर जाफर का किरदार अदा किया गया है। और हालिया दिनों में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अदम एतिमाद अभी नहीं हुई थी और उन्हें पहले से पता था कि बाहर मुल्क मीर जाफर मीर सादिक जैसे सहूलतकारों की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये साजिश अब को बैरूनी ताकतों का गुलाम बनाने की है। एक मीर जाफर को एक साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया है, ऐसा उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ का हवाला देते हुए कहा। इसके बाद PTI के सरबरा ने हुजूम को समझाया कि मीर जाफर कौन थे, मगर ऐसा पाकिस्तान तक महदूद नहीं। गुज़िश्ता साल भारत में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वफादारी तब्दील करके BJP में शामिल होने वाले पार्टी रहनुमाओं को मीर जाफर करार दिया। मुखालफीन को गद्दार कहने या उन्हें बुरा नाम देने का असर क्या होता है आखिर?
सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि इससे लोगों में जोश पैदा होता है, मुखालफीन के लिए नफरत और गुस्सा जाहिर होता है। डॉक्टर ताहिर कामरान भी इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन सियासत का चलन ऐसा है कि कल के हरीफ आज के हलीफ बन सकते हैं और कल के गद्दार आज के मुहिब वतन। ऐसे उलट